हेलो माई डियर फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़, आपको अगर टाइम नहीं भी है तो फिर भी आप एक मिनट वीडियो को देखिए और अपनी सालों की मेहनत जो है ना कुछ ही दिनों में सफल कीजिए। जी हाँ, मैंने अपना, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो मैंने अपना चैनल 2 दिनों में मोनेटाइज कर लिया। तो 2 दिनों में मोनेटाइज करने का क्या ट्रिक है, तो चलिए वो मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत ही इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं बट उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है, उनका चैनल मोनेटाइज अगर हो गया है, जिनको उन्हें पैसे नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं, तो बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को जानने मिलेगी। तो सबसे पहले आप जो वीडियो आप कंटिन्यू रखते हैं तो पहले आप ये देखिए कि आपका वीडियो में व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका वीडियो जो है ना, आप ऐसा कॉन्टेंट रखिए, सबसे पहले जो है ना थंबनेल और कंटेंट, ये दोनों बहुत ज़रूरी बातें होती है यूट्यूब में। तो आप पहले कंटेंट डिसाइड कीजिए कि ऐसा क्या कंटेंट डालें जिससे कि हमारा वीडियो लोगों को पसंद आए। वीडियो ऐसा कंटेंट रखिए जो कि लोग उस वीडियो को ओपन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो अगर आप कोई भी वीडियो डाल रहे हैं और आपका व्यू नहीं आ रहा है तो आप जो है ना उस कंटेंट को फटाफट से बंद कर दीजिए और कुछ और कंटेंट ऐसा दीजिए जिससे कि लोग आपके वीडियो को एक बार देखने के लिए, कम से कम एक बार देखने के लिए जो है ना मजबूर हो जाए। तो ऐसा आप कंटेंट बनाए रखिए। और मेरी जो स्टोरी थी कि मैंने अपनी कोइंसिडेंस अपनी स्टोरी शेयर की थी जिसने लोगों ने बहुत पसंद किया और फटाफट से 2 दिनों में ही मेरे 33,000 व्यू गए। फिर सेकेंड स्टोरी मैंने शेयर की तो उसमें भी मेरे 15,000 व्यू गए। तो मेरा चैनल जो है ना 2 से 3 दिनों में मोनेटाइज हो गया और वीडियो फटाफट वायरल होने लगा। तो बस सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें होती है कि आप कंटेंट ऐसा बनाइए जिससे कि लोग पसंद करें और उस वीडियो को एक बार कम से कम देखने के लिए मजबूर हो जाए, वीडियो को ओपन करें। तो अगर कोई सा भी वीडियो आप डाल रहे हैं, अगर व्यू नहीं आ रहा है तो आप कुछ उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा सा कंटेंट चेंज कीजिए जिससे कि जो है ना कुछ दूसरा कंटेंट डालिए जो लोग पसंद करें। अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ और कंटेंट सोचिए, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कोइंसिडेंस सबसे पहले अपनी स्टोरी ही शेयर की थी तो वही लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैं उसी के पीछे 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 चलती गई तो फिर मेरे सारे वीडियो अच्छे खासे व्यू आए, जिससे कि मेरा 2 से 3 दिनों में चैनल मोनेटाइज हो गया और लोग बहुत ज़्यादा उस वीडियो को पसंद किया। आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो की महत्वपूर्ण बात ही होती है कि आप थंबनेल अच्छा बनाइए जिससे कि लोग देखना पसंद करें। अगर उनके सामने वीडियो आता है तो वो एक बार जरूर ओपन करें। कंटेंट अच्छा रखिए, कंटेंट वैसा रखिए जो लोग आपके वीडियो को देखना पसंद करें, टिके। वीडियो ऐसा होना चाहिए जो लोग आपकी वीडियो को टिक पाएँ कि हाँ नहीं देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस टाइप से आप अपने वीडियो में दीजिए जिससे कि लोग देखना पसंद करें। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं भी पता है, मैं छोटे यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर के बारे में बता दूं कि जैसा कि यूट्यूब की नई पॉलिसी में बताया गया था, इसी साल बताया गया है कि 3,000 वॉच कम्प्लीट करने के बाद और 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो जी हाँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपका चैनल हाफ ही मोनेटाइज होता है, क्योंकि 3,000 वॉच कम्प्लीट करने के बाद और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज तो हो जाता है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ, तो चलिए पैसे क्यों नहीं मिलेंगे तो मैं बताती हूँ, क्योंकि जब तक आपका 4,000 वॉच कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके वीडियो पे ऐड नहीं आएगी और उसी ऐड के पैसे बनते हैं, उसी ऐड के डॉलर बनते हैं। तो जब तक आप 4,000 वॉच कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके पैसे नहीं बनेंगे, डॉलर नहीं बनेंगे। और 3,000 वॉच कंप्लीट यानी कि हाफ ही मोनेटाइज होता है, फुल मोनेटाइज नहीं होता, यानी कि जब हमें पैसे नहीं मिलते तो काहे का मोनेटाइज। तो जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है लेकिन पैसे नहीं बन रहे हैं तो उनका 4,000 वॉच कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। तो मैं उन लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, यूट्यूब की वीडियो
में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप थंबनेल अच्छा बनाइए और कंटेंट ऐसा कुछ रखिए जिससे कि लोग देखना पसंद करें। और अगर आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप कंटेंट को फटाफट चेंज कीजिए, बस ऐसे बैठे मत रहिए, आप कंटेंट चेंज कीजिए जिससे कि कुछ आप अलग अलग करके देखिए जिससे कि आपके वीडियो देखना लोग पसंद करें, व्यूज़ आए। क्योंकि कंटेंट आप चेंज करेंगे तभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, क्योंकि अगर आपका एक वीडियो पसंद नहीं कर रहा है दूसरा वीडियो भी पसंद नहीं कर रहा है तो आपको कंटेंट चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सालों से इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो देख लीजिए कि आपका वीडियो अगर नहीं व्यू आ रहा है तो आप फटाफट से कंटेंट को चेंज कीजिए, थंबनेल चेंज कीजिए और कुछ ऐसा कि डालिए जो कि आपका व्यूवर्स पसंद करे, आपकी वीडियो को ओपन करके देखना चाहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने अनुभव किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोगों को थोड़ी सी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।